नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जनरल मुक्स में। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आज एक बहुत बड़ा दिन है। पिछले 24 आवर्स के अंदर आपने देखा होगा कि मार्केट काफ़ी डंप हुआ है। डंप के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको ये रीजंस बताऊंगा और बिटकॉइन का आगे का एनालिसिस करके हम बिटकॉइन का आगे नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है वो जानेंगे, और क्या मार्केट में ऐसे ही चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर चलते हैं। आपके सामने ये चार्ट ओपन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बिटकॉइन अच्छा खासा 21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहाँ पर उस एरिया के अंदर वॉल्यूम काफ़ी कम था, सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे डाउन हो रहा था। उसी बीच हुआ क्या, सबसे पहले तो एक बंदा है जिसको हम सब लोग जानते हैं, एलन मस्क, जो कि क्रिप्टो के अंदर काफ़ी एक्टिव है, और ये जो ट्वीट करते हैं तो पूरा मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी उथल पुथल हो जाती है। डोज कॉइन, शिबा इनू, ऐसे कॉइन को इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, डंप भी किया, ऊपर भी पहुंचा दिया, काफ़ी लाखों करोड़ों रुपये उसमें से उन्होंने कमा लिए। तो सेम यही स्ट्रेटेजी अभी फॉलो कर रहा है CZ, बाइनेंस का CEO। चेहरे के पीछे कोई दूसरा चेहरा भी छुपा हुआ है। रिसेंटली इसने ट्वीट किया कि दिस आफ्टरनून FTX आस फॉर आर हेल्प, लिक्विडिटी क्रंच हुआ है FTX के अंदर और उन्होंने बाइनेंस के CEO से मदद मांगी, और जो भी उनके बीच में एक नॉन बाइंडिंग LOI साइन हुआ है। और न्यूज़ ये है कि अभी बाइनेंस FTX.com को खरीदने जा रहा है। ये बाइनेंस के CEO का ट्वीट है। उसके बाद से मार्केट के अंदर काफ़ी उथल पुथल मची, क्योंकि आप मान सकते हैं कि जो FTX एक्सचेंज है वो वर्ल्ड का टॉप सेकंड एक्सचेंज है, बाइनेंस के बाद में सीधा उसी का नंबर है। उसके अंदर लिक्विडिटी क्रंच होना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, बट अगर है भी क्योंकि अभी रिसेंटली हम देख सकते हैं काफ़ी सारी वर्ल्ड क्लास जो भी मैचेस चल रही है या कोई भी बड़े प्रोग्राम होता है उसमें FTX की एडवर्टाइजमेंट अभी भी चल रही है, तो पैसों का इश्यू होना एक थोड़ी बात हजम नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे इनका प्री प्लान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खिचड़ी पक रही है, इसके कारण ऐसा इन्होंने ट्वीट किया है। और शायद ये बात सच भी हो सकती है, हमें नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या है, बट जो भी है इसके अंदर कुछ ना कुछ ये लोग पका रहे, जिसके कारण सभी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने अपने गेस कर रहे हैं कि भाई अभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और जब मार्केट के अंदर एक फड़ मच जाता है ना, तो उसके बाद में मार्केट का जो भी सपोर्ट है सब धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, अचानक डंप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर वर्ल्ड का टॉप सेकंड एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है, वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं बन रही है, लोगों के पैसे वहाँ पर जो विड्रॉल सही से नहीं दे पा रहे, ऐसे ऐसे जो इश्यूज अगर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर किसी को भरोसा नहीं रहेगा। और यही बाइनेंस के CEO ने एक मौका देख के यहाँ पर एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट के कारण वर्ल्ड का टॉप सेकंड एक्शन की जो नेटिव टोकन है FTT टोकन, ये $30 से सीधा $3 पे आ गया। हालांकि ये टोकन बाइनेंस भी होल्ड करता था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले सेलिंग के लिए रखा, उसके बाद से लोगों में फेयर मचा और धीरे 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 सब लोगों ने सेलिंग किया, तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा डंप हो गई। सेम ऐसे सोलाना के अंदर भी हुआ, सोलाना नेक्स्ट लूना बनने जा रहा है, उसकी प्राइस कहाँ थी और आज कहाँ हो गई। तो अभी भरोसा करें तो किस कॉइन के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो CEO है और ये एलन मस्क है दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनर, तो इन लोगों के ट्वीट से ही ये मार्केट के अंदर पूरा उथल पुथल मच जाती है। लगता ही है कि यही लोग मार्केट को चला रहे हैं और यही लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी पहले एलन मस्क की थी, अभी सेम इसी को कॉपी कर रहे हैं CZ। तो रिसेंटली ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ, और उससे पहले एलन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया और उसमें से उन्होंने स्टाफ की कटौती कर दी। इसका रीजन ये बताया गया कि जो ट्विटर है
वो डेली के 4 मिलियन डॉलर का उसको नुकसान हो रहा है, जिसके कारण जो स्टाफ है कम करना पड़ रहा है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर अभी मंदी का माहौल छाया हुआ है, ऐसे में मंदी हर एक कंपनी के ऊपर हो सकती है, लेकिन स्टाफ को कम करना ये अभी धीरे धीरे एक ट्रेंड बनता जा रहा है। इसी को फॉलो करते हुए आज फिर फेसबुक ने भी अपना जो स्टाफ है वो 11,000 जो अपने एम्प्लॉई है यानी कि 13% एम्प्लॉई पूरे फेसबुक से उन्होंने कटौती कर दी है। हालांकि जो कुछ उनको देना था वो देके उन्होंने कटौती किया हुआ, लेकिन फेसबुक का जो मामला है वो थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली इसने क्या हुआ कि मेटा के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को ये लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा था। ऐसे में क्रिप्टो मार्केट लगातार नीचे जा रहा था, तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है इसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। और इसके कारण लॉसेस को बचाने के लिए इसने अपने 11,000 जो एम्प्लॉई है उसको कंपनी से बाहर निकाला हुआ है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं वो एक तरफ इशारा कर रही है कि जो दुनिया में है मंदी किस तरह छाई हुई है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो मंदी है, दूसरा है एलन मस्क और ये सीजर जैसे आदमी जो कि बोलते कुछ है करते कुछ है, और जिनके कारण ये मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है, ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, लिक्विडिटी क्रंच का बहाना बना के ये कैसे भी करके अपनी बैग फुल कर लेते हैं डिप के अंदर, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर ला देते हैं। तो ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर वहाँ फंस जाते हैं और इनकी बैग फुल हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है इनकी रेस है कौन सबसे ज़्यादा अमीर बने, और ये अमीर बनने की रेस के अंदर अगर उनको सबसे ऊपर जाना है तो पैसे कहाँ से आएंगे, लोगों से ही पैसे आएंगे, और जो पैसे है उसको अपने पास कैसे लाना उसके तरीके ये लोग अलग अलग तरीके अजमा रहे हैं। ऐसे में ऐसे तरीके भी अजमाएंगे तो ये सब इनके लिए जायज है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसा होता रहा तो नए इन्वेस्टर्स क्या क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो एक सीख मिल रही है ना कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है, कुछ चुनिंदे लोग ही मार्केट को चला रहे हैं। तो क्या हमें क्रिप्टो मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए इनके ट्वीट के ऊपर चलना पड़ेगा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे अगर ट्रेडिंग करना है तो एक तरफ मैं ट्रेडिंग का चार्ट खोल लेता हूँ और दूसरी तरफ मैं ट्विटर खोलता हूँ कि कहीं एक ट्वीट ना आ जाए, और ट्वीट आने से उस मार्केट के ऊपर, मैंने जब भी देखा है ट्वीट का इफेक्ट मार्केट के ऊपर 100% आता है। एलन मस्क के ट्वीट का इफेक्ट पक्का आता है, सीजे के ट्वीट का इफेक्ट पक्का आता है। तो इन लोगों ने क्या एक तरीका बना रखा है कि ट्वीट करो और मार्केट को ऊपर नीचे करो। चलिए अभी इनको तो कोई नहीं रोकता, लेकिन हम पहले बिटकॉइन को देख लेते हैं कि एक्चुअली बिटकॉइन का आगे क्या हाल होने वाला है। तो सबसे पहले दिखा दूं मैं आपको कि 21,000 के लेवल को इसने ब्रेक किया और सीधा अभी बिटकॉइन चल रहा है 17,100 के ऊपर। यहाँ पर भी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, सपोर्ट सीधा सीधा आपको 16,000 के आसपास नज़र आ रहा है। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो है बैठे हुए इन्वेस्टर हैं वो रियल इन्वेस्टर्स हैं, कि जो फियर नहीं, कितना भी बड़ा मार्केट डंप हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ पर जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले बंदे हैं कि मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए हमने मार्केट के अंदर बने रहना है, और एक आशा लेके बैठे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और ये आशा उनकी बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि हर एक बड़े डंप के बाद में एक बुल रन आता है, और आपने देखा होगा कि एक साल से कम मार्केट बेयरिश था, और अभी ये सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा डंप ये होने जा रहा है, और इस डंप के बाद में पक्का बुल रन ही आएगा, क्योंकि जो मार्केट में होना था वो अब हो चुका है। अभी जो बंदे इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आएंगे, नए आएंगे या पुराने आएंगे, जो भी आएंगे, वो अभी इन सारी घटनाओं से सीख लेके ही इसके अंदर एंटर होंगे, और इस बुल रन के अंदर या अभी आने वाले जो भी मार्केट के जो मार्केट चलेगा उसके अंदर इनके ट्वीटों से ज़्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। यह ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स अभी इनको नचाए, लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हमने कौन से ऐसे कॉइन के अंदर भरोसा करना चाहिए कि उसमें इन्वेस्ट करके हमें इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि सोलाना बहुत बड़ा नाम हो गया था एक साल के अंदर, फिर भी उसका आज क्या हाल है आपने देख लिया।
FTT, FTX कॉइन, जिसका बहुत बड़ा नाम था और वो नेटिव टोकन था एक एक्सचेंज का, जिसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा था FTX एक्सचेंज के द्वारा, फिर भी वो आज जीरो के कगार पे आके खड़ा है। तो ऐसे बड़े बड़े टोकन, ऐसे बड़े बड़े कॉइन ही जीरो होते जा रहे हैं, तो अभी कौन से ऐसे कॉइन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले बता दूं आपको मैं कि भरोसेमंद कॉइन कॉइन मार्केट के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर जो भरोसे लायक होता है वो सिर्फ एक ही है, वो है बिटकॉइन। हालांकि बहुत लोगों के पास में बड़े बड़े बिटकॉइन पड़े हुए हैं, जिसको हम वेल्स बोलते हैं, जिनकी मार्केट में एंट्री होती है तब, और जब एग्जिट होते हैं तब मार्केट के अंदर बहुत बड़ा डंप और पंप देखने को मिलता है, लेकिन वो एक रेंज तक सीमित होता है, वो मैनिपुलेटिंग नहीं कर सकते, बस अपने ट्रेडिंग के लिहाज से वो करते हैं जो बाकी इन्वेस्टर्स करते हैं, बाकी ट्रेडर्स करते हैं, वैसे ही वो लोग करते हैं, ना तो कभी ट्वीट करते हैं ना ही मार्केट को वो चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक ट्रेडर ही है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा भरोसा हम अगर कर सकते हैं तो एक ही कॉइन पे कर सकते हैं, वो है बिटकॉइन। और अगर सेकंड मोस्ट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपने भरोसा करना ही है, तो आप इथेरियम के ऊपर कर सकते हैं भरोसा, क्योंकि आज तक इथेरियम के फाउंडर ने, को फाउंडर ने कभी भी ऐसा कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया है जिसके कारण मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हो, और बिटकॉइन का तो कोई ऑनर ही नहीं है, तो ट्वीट या कोई ऐसी चीज़ होने का तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इन दो कॉइन के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी मेरी नज़र में जितने भी कॉइन्स हैं कॉइन मार्केट कैप के अंदर, किसी भी एक्सचेंज के अंदर, वो सब इन्वेस्ट करने लायक है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसे लोग किसी भी कॉइन के ऊपर टारगेट करेंगे तो उसको गिरा सकते हैं, अप करा सकते हैं। तो ऐसे में अगर सेफ से अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन दो कॉइन के ऊपर भरोसा करके चल सकते हैं। और आगे की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ ये रहनी चाहिए कि हमें मार्केट का आगे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ 16,000 का लेवल जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस टूट नहीं सकता है। इसलिए कुछ आपने अपने USDT को रखना है स्पेयर के अंदर, कि उसके नीचे भी अगर मार्केट जाए तो आप एवरेज कर पाए, और अगर टुकड़ों में आप बाइंग करते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। फिलहाल अभी इस मार्केट को रिकवर होने के लिए कम से कम यहाँ से आपको 3 से 4 महीने लगेंगे ही लगेंगे, कि एक के बाद नेगेटिव न्यूज़ आती जाती है, और ऐसे में बिटकॉइन और ज़्यादा वीक होकर नीचे गिरता है। ऐसे में सारे जो ऑल्ट कॉइन है उनका तो बस कहना ही क्या है, वो तो बिल्कुल ही मर जाते हैं। तो हमें ये POC को एक सपोर्ट मान कर नहीं चलना है, हमने सपोर्ट मानना है रियल इन्वेस्टर्स जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर रियल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, कि जो लोग पैसा कभी मार्केट से नहीं निकालेंगे, ऐसी सिचुएशन में जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं, हमें कम से कम उस लेवल को ढूंढना है। उस लेवल को हम ढूंढ कैसे पाएंगे? उस लेवल को हम ऐसे ढूंढ पाएंगे, उस लेवल के ऊपर लगातार 30 दिन तक अगर प्राइस वहाँ पर फ्लक्चुएट करती है और वहाँ से वो बाउंस बैक करती है, तो हमें मानना है कि ये लेवल जो है वो रियल इन्वेस्टर्स का है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो उसके बाद आप अपने बैग फुल कर सकते हैं, उसके बाद आप आराम से लॉन्ग की पोजीशन बना के चल सकते हैं, उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लेवल है 16,000 के आसपास का, जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। अभी मैं अगर बात करूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर एनालिसिस की, तो आप देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर POC बनी, यानी कि POC का मतलब ये होता है कि इस जगह पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, और यहाँ पर प्राइस को ऊपर नीचे ले जाने की बायर्स और सेलर के बीच में लड़ाई हो रही है। तो इस लेवल को अगर ये तोड़ता है तो फिर यहाँ पर डंप आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर इस लेवल को तोड़ के यहाँ पर डंप आया, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर वॉल्यूम नज़र आ रही है, यहाँ वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम, सब जगह वॉल्यूम है, लेकिन आप देखें यहाँ वॉल्यूम ही नहीं है कुछ भी। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं होगा या बहुत ही लो वॉल्यूम होगा, तो चीज़ें अचानक गिर जाती है, अचानक बढ़ जाती है। जहाँ वॉल्यूम होता है वहाँ पर प्राइस सस्टेन करती है, वॉल्यूम नहीं होता है वहाँ पर प्राइस के ऊपर अचानक जाना और अचानक नीचे गिर जाना वो तय होता है। सपोर्ट कब जाके मिलता है? जहाँ पर वॉल्यूम होता है तो वहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई होती है, और उसमें से जो जीत जाता है वो प्राइस उसके तरफ भागती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लड़ाई हुई POC के ऊपर,
यहाँ पर सेलर्स जीत गए, सेलर्स फिर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आई, फिर यहाँ थोड़ी लड़ाई हुई क्योंकि यहाँ वॉल्यूम था। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्राइस डंप हुआ। अभी यहाँ पर इतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पर ये सस्टेन करना मुश्किल हो जाए, या फिर यहाँ से जो बायर्स है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और फिर यहाँ वॉल्यूम बढ़ा के फिर उसको प्राइस को ऊपर ले जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ऐसा होना जब तक यहाँ पर अगर 15 मिनट की 4 से 5 कैंडल नहीं बन जाती है तब तक यहाँ पर एंट्री लेना भी मुश्किल हो जाता है। और आज की डेट के अंदर ऐसी कैंडल बनना यहाँ पर बहुत मुश्किल नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है, फड़ मचा हुआ मार्केट के अंदर, नेगेटिव न्यूज़ एक के ऊपर एक आ रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ नहीं है और ये बिल्कुल सेफ जोन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमें वेट करना चाहिए जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा मूव करे, वॉल्यूम बढ़े और जो नया पैसा है वो मार्केट में आए, तब जाके यहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए। उससे पहले हमें बस मार्केट से दूर रहना है, वेट एंड वॉच करना है और अपने पैसों को सेफ रखना है। अभी एक चीज़ मैंने देखी है कि जो लोग स्टेकिंग करते हैं, हालांकि सब लोग स्टेकिंग करते ही है क्योंकि अगर मार्केट डाउन होता है तो सब लोग स्टेकिंग में चले जाते हैं, तो उसमें स्टेकिंग का लॉकिंग पीरियड होता है। तो मैं बता रहा हूँ ये जो स्टेकिंग अगर जो करते हैं ना तो लॉकिंग पीरियड के कारण वो वहाँ फंस जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को मार्केट से बाहर निकाल नहीं पाते क्योंकि जो स्टेकिंग है वो आज अगर आप विड्रॉ करने जाते हैं स्टेकिंग का, अगर आप उसको रिडीम करने जाते हैं तो 3 दिन के बाद में वो रिडीम होकर आपके अकाउंट में आता है, तब तक तो यहाँ पर मार्केट का बुरा हाल हो गया होता है और वो ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है, ना उसको कॉइन को बेच पाता है ना ही उसका कोई यूज़ कर पाता है, ऐसे में वो बिल्कुल फंस जाता है। तो यहाँ पर मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर स्टेकिंग करते हो ना तो सिर्फ और सिर्फ आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में स्टेकिंग करो, बाकी आप किसी भी जो लॉक स्टेकिंग है उसमें आप स्टेकिंग ना करो क्योंकि लॉक स्टेकिंग के अंदर अभी के हिसाब से मार्केट के अंदर ऐसा चलता रहेगा और क्रिप्टो में खासकर ऐसा चलता है, तो ऐसे में आप मार्केट से बाहर होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो बंदा मार्केट में जल्दी से बाहर निकल जाता है ना वो सेफ होता है क्योंकि अगर उसको पता लग जाता है कि भाई आज मार्केट ये डंप होना शुरू हो गया तो तुरंत ही वो अपना बेच बाज के साइड हो जाता है, जैसे ये सब लोग बेच बाज के साइड हो गए वो भी अपना साइड हो जाता है, तो बाद में जितना भी सेलिंग प्रेशर आए आने दो, उसके बाद वो फिर लगता है कि भाई अभी यहाँ से पोजिशन सही बन सकती है, दोबारा से एंट्री ले लो, एंट्री ले लो, फिर वो जितना भी लॉस लेके बाहर निकल गया आप वो लॉस आपको कवर होके फिर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन मार्केट से बाहर निकलना भी ज़रूरी है, सही टाइम पे मार्केट से बाहर निकलना ज़रूरी है और वो सही टाइम तभी आप कर पाओगे जब आपके पास में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो अगर आपने लॉक स्टेकिंग किया है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़ीरो है क्योंकि 3 दिन के अंदर तो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आपको कुछ नहीं पता है, मार्केट डंप होके बिल्कुल ऐसी जगह पर आ जाएगा कि आप ना उसको बेच पाएंगे ना ही कुछ भी कर पाएंगे, सिर्फ देखते रहोगे आप। तो ये जितने भी एक्सचेंज हैं उन्होंने ये लॉक स्टेकिंग वाला जो सिस्टम निकाला है ना और उसमें उन्होंने 3 दिन का लॉकिंग पीरियड दिया हुआ है आपकी अमाउंट रिडीम करने का, बहुत ही सोच समझ के दिया हुआ है। तो अगर इन चालों में अगर आप फंस गए, हाँ अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, 5-10 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप चाहते हैं कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को छेड़ू ही ना तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी इसमें से एग्जिट भी हो सकूँ और एंटर भी हो सकूँ, तो आपने अपनी अमाउंट जो रखनी है वो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में रखनी है, तब जाके ये पॉसिबल होगा कि आप मार्केट के अंदर एग्जिट और एंट्री सही टाइम पे ले सकोगे। तो कोई भी कॉइन इस डंप से बचा नहीं है, जो छोटे कॉइन है वो तो बेचारे मर गए हैं, वो तो मतलब जीरो के पास ही पहुंच गए हैं, तो उनको तो देखना ही कोई सेंस नहीं बनता है। तो भैया ऐसे लोग हैं कुछ जो लोग मार्केट को चला रहे हैं या मार्केट को ऊपर नीचे करने में माहिर है और हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी नंबर 1 पे पहुंच जाए, तो ऐसे में बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फंस जाते हैं। तो अभी रिटेल इन्वेस्टर का ये काम है कि उनकी चाल को समझो और अपनी चाल चलो, तब जाके आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आपको मार्केट छोड़ के भागना पड़ेगा।
ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था नाइट के टाइम में, तब बिटकॉइन की प्राइस $17,000 के आसपास थी, और मैंने बताया कि 16,000 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, और वो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमें 16,000 के आसपास एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सपोर्ट भी शायद ब्रेक हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है और मार्केट में अभी भी फियर फैला हुआ है, सेलिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है। ऐसे में अगर ये 15,500 16,000 का सपोर्ट अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक होता है, तो आगे जो प्राइस आपको मिलेगी वो सिर्फ $11,000 की प्राइस मिलेगी, और उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसके सामने तो सारे चार्ट और जितने भी एनालिसिस सब फेल है। क्योंकि रिसेंटली अभी बाय बिट के अंदर भी एक लिक्विडिटी क्रंच पैदा हुआ है, वहाँ भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण लोगों का एक्सचेंजों के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न इसके अंदर ऐसे फॉल के अंदर सामने आता है वो लिक्विडिटी, क्योंकि आप अगर मान के चले कि अगर स्टॉक मार्केट है तो वहां पर देश का एक या दो एक्सचेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड होता है और यहाँ पर 200-300 एक्सचेंज है, तो हर एक एक्सचेंज के अंदर इतना वॉल्यूम कहाँ से आएगा? तो जिसके पास में वॉल्यूम नहीं होगा, जिसके पास में अपने ट्रेडर्स नहीं होंगे, जहाँ पर लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, छोटे एक्सचेंज है वहाँ पर, तो वो कॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट जीरो हो जानी है। हालांकि जहां पर लिक्विडिटी होगी, जहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होगा, वहां पर प्राइस सस्टेन कर सकती है। तो ऐसे में हो रहा है क्या, छोटे छोटे एक्सचेंज है वहां पर लिक्विडिटी जीरो हो जा रही है और वहां पर प्राइस उसकी बहुत ही डंप हो रही है बुरी तरह से, और इसका इफेक्ट जो है वो बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर भी देखा जा रहा है। लगातार नए नए एक्सचेंज खुलने से और एक्सचेंज की जो संख्या है बहुत ज्यादा होने से क्रिप्टो के अंदर ये लिक्विडिटी का इश्यू आना शुरू हो गया है, और अभी ये साफ साफ देखा जा रहा है कि ज़्यादा एक्सचेंज मतलब प्राइस की कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। इसकी जगह पर या एक दो या चार पांच एक्सचेंज होने से लिक्विडिटी बढ़ जाती और ऐसे में प्राइस सस्टेन करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि किसी का अकाउंट बायबिट में होगा, किसी का बाइनेंस में होगा, किसी का कुकॉइन में होगा, किसी का बीटीसी में होगा, और भी छोटे छोटे बहुत एक्सचेंजेस हैं वहां पर सबके अकाउंट होते हैं, तो वहां पर जो कॉइन्स खरीद के रखे हुए हैं वहां वॉल्यूम नहीं होने के कारण बिल्कुल ही डंप हो जाता है। दूसरा कि वो एक्सचेंजेस अपने विड्रॉल भी बंद कर देते हैं, विड्रॉल बंद कर देते हैं, तो आप उस एक्सचेंज से किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर आप अपना पैसा भी ट्रांसफर नहीं कर पाते, आप अपने कॉइन ट्रांसफर नहीं कर पाते। ऐसे में होता क्या है, आपके जो कॉइन्स आपके पैसे वहां लॉक हो जाते हैं और फिर आपको वेट करना पड़ता है कि कब ये प्राइस ऊपर जाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर। तो ऐसे में जो बड़े एक्सचेंजेस के अंदर जहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है वहाँ पर ट्रेडर्स है वो थोड़े सेफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस मार्केट के अंदर तो सब लोग जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, यहाँ पर तो सिर्फ वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा और क्या सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल तो अभी 16,000 का सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, देखते आगे आगे क्या होता है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के दोस्तों जय हिंद।